अभी बेल पेंडिंग है, अभी बेल के लिए ऑर्डर न्यू है, अभी फिलहाल के लिए ये बोला गया है कि आप इनको ले जाइए, जब बेल होगी तो इनको छोड़ देना, अदरवाइज नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। कस्टडी में चले जाए, मारने पीटने की बात हो रही थी इस तरीके से, मारने पीटने की वो किसी ने वैसे ही अफवाह चलाई थी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मारने पीटने की वाली बात है, वहाँ सब उनको प्रोटेक्ट के लिए ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद अली गहलोत जी, जाहिद अली जी ने अभी बताया ये अंदर से ही आए हैं, जहाँ पर अभी प्रोफेसर रतन लाल जी की पेशी थी वहाँ पर अभी बेल के लिए जो है बोला गया है जुडिशरी में ही रखा जाएगा। अभी अभी सर कहाँ भेजा गया है? अभी अभी थाने भेजा गया है, अभी अभी जेल में नहीं भेजा गया अभी तक, जब तक बेल का ऑर्डर नहीं आता उसके बाद डिसीजन होगा कुछ। अभी बेल, हाँ अभी बेल पेंडिंग है, 4 बजे के बाद ही ऑर्डर हो पाएगा। 4 बजे के बाद हाँ जी जी, अभी वहीं ले जा रहे हैं DCP साहब अपने पास आते। तो अभी अभी हमने जो है शाहिद अली जी से बात की और वो बता रहे हैं कि अभी जो है रतन लाल जी को है जो अभी थाने लेके जाया जा रहा है। DCP साहब साथ में थे, अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर एकदम भागा भागी हो गई थी और उनसे बात भी नहीं करने दी जा रही थी, जिस तरीके से उनको घेर के रखा हुआ था, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, उनको इस तरीके से लेके जा रहे थे। अभी आप, मैं जो हूँ यहाँ पर 30,000 कोर्ट के परिसर में ही मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार गाड़ियों की रेलम रेल है और सारे जो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, पूरी फोर्स यहाँ पे मौजूद थी, साथ में यहाँ पर जितने भी वकील थे वो थे। अभी जो है उनकी अंदर सुनवाई हो रही थी रतन लाल जी की, और रतन लाल जी जैसे ही बाहर आए हैं तो उसके बाद जो है हमने शाहिद अली जी से बात की, जो अभी उनको थाने ले जाया जा रहा है। और मारने पीटने की बात की जा रही थी जो अभी, तो वो अफवाह बताई जा रही है कि इस तरीके की अफवाह उड़ाई गई है। बाकी अभी जो है यहाँ पर मैं मौजूद ही हूँ, आपको दिखाती रहूँगी हालिया तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी सभी लोग मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, और सामने यहाँ पर अभी आप देख लीजिए भीम की जो पूरी टीम है वो यहाँ मौजूद है, भीम सेना आ चुकी है यहाँ पर, आप सामने देख सकते हैं सारे वकील हैं और भीम के नारे लगा रहे हैं लगातार, यहाँ पर सारे भीम के नारे लगा रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्हीं के संविधान को आज जो है उन्हीं के नारे लगाकर संविधान को जो है याद दिलाया जा रहा है। यहाँ पे सभी जो है परिसर में मौजूद है, सारे वकील हैं, आप सामने देख सकते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है जी, बताएं सर, क्या नाम है? डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम। तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुख की बड़ी बात है कि एक ट्वीट करने पर जो है गिरफ्तारी हो जा रही है। देखिए, गिरफ्तारी की बात ये नहीं है कि एक ट्वीट पे हो जाए, संवैधानिक जितनी भी प्रक्रियाएं वो ताक पे रख दी गई हैं। ये ट्वीट पे गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से हुई है कि जो प्रोफेसर है वो अम्बेडकर को मानने वाले प्रोफेसर हैं, वो अम्बेडकराइट प्रोफेसर हैं। अगर यही ट्वीट उनके पक्ष का कोई व्यक्ति कर देता तो आप यकीन मानिए उसे माला पहनाई जाती, उन्हें सरों आँखों पर बैठाया जाता, परंतु ये सोचते हैं कि अम्बेडकर को मानने वाले ये लोग हैं और हम इनको फंसा सकते हैं या इनको हम किसी भी प्रकार के मुकदमे में जेल भेज सकते हैं, तो आज ये वो समय नहीं है। ये संवैधानिक समय है, संविधान को मानने का समय है। आज माननीय न्यायालय में कोर्ट में सुनवाई हुई और हम आश्वस्त हैं। देखिए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जमानत हो या वो जेल जाएं, कम से कम हम इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर रतन लाल अकेले हैं, आज प्रोफेसर रतन लाल के साथ ये सभी लोग हैं।
जिस तरीके से अभी विशेष अधिकार जो है दिया जा रहा है और विशेष लोगों को क्या छूट है कि वो लिख सकते हैं और बोल सकते हैं क्या है? देखिए मैंने क्या बताया, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अभी भी इन्होंने जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की, वो कोशिश सिर्फ इस वजह से उनकी नाकाम हुई क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले या आज हजारों एडवोकेट आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, और विशेष वर्ग को टारगेट जो ये लोग कर रहे हैं वो नहीं होंगे। अभी क्या कुछ अंदर रहा जो अभी? देखिए अभी बेल पे जो सुनवाई हुई, सुनवाई का जो मुख्य बिंदु थे, सुनवाई के मुख्य बिंदु ये थे कि भाई जिस मुद्दे को लेकर आज FIR हुई है या इनको अरेस्ट किया गया, क्या इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, क्या नोटिस देना जरूरी नहीं था? एक प्रोफेसर अगर वो कुछ भी बोलता है या एक पत्रकार जो कुछ भी बोलता है और उनकी भूमिका नहीं है, क्या उसे जेल में डाल दिया जाएगा? क्या 41A का नोटिस जो इन्होंने नहीं दिया, जो ऑफेंसेज अर्नेश कुमार की जजमेंट के अंदर बिलो 7 ईयर्स के जो ऑफेंसेज हैं, आप दूसरों को तो जमानत दे देते हो, परंतु क्या कारण है कि आपने प्रोफेसर रतनलाल को जमानत नहीं दी? तो ये तो मतलब बेल पे अभी जो है थाने ले जाया गया है, अभी बेल पे ये पुलिस कस्टडी में है, अभी पुलिस कस्टडी में ही रखा जा रहा है, इस तरीके से घेर के ले जाया जा रहा है, पूरी पूरी पुलिस फोर्स मौजूद। वो प्रोटेक्शन के लिए थी क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें धमकियां दी थी कि हम कोर्ट आओगे तो आपके साथ ये करेंगे या वो करेंगे, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए थी। और मैं पुलिस का और जुडिशरी का और सारे जितने अपने वकील भाई हैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनका बचाओ। सर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, इन पर FIR नहीं हो रही है और एक ट्वीट पे FIR? देखिए इन पे तो इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि इनकी खुद की सरकार है, ये खुद जो है खुद भी कुछ भी बोलेंगे तो उस पे FIR नहीं होगी। ये दंगे करवाते हैं, दंगे करवानों पे FIR नहीं होती परंतु दंगे में मरने वाले पे FIR होती है। ये सोचते हैं कि रूल ऑफ लॉ यहाँ से खत्म हो गया है, ये सोचते हैं कि यह संविधान नहीं है, आज भी मनुवाद है, और ये मनुवाद के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इस भारत के संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? असद जी। असद जी किस तरीके से अभी ये अभी लेकर गए रतन लाल जी को और अब इस तरीके से अरेस्टिंग हो जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मैम पूरी तरह से ये असंवैधानिक केस के इसके अंदर 41A का नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्नेश कुमार की जजमेंट है इसके अंदर, उससे जिसमें 7 साल से कम के केसेस सजा के केस होते हैं उसके अंदर 41A का नोटिस देके छोड़ दिया जाता है। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने 41A का नोटिस ना देकर इन्होंने अरेस्टिंग डाल दी। जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर है अंबेडकर नामज ने लिखा है, उनको तो आप अरेस्ट कर लेते हो और बाकी और ऑफेंसेस के ऊपर लोगों को आप बेल दे देते हो 41A के नोटिस के ऊपर, जो कि इसमें भी 41A के नोटिस के ऊपर बेल मिल जानी चाहिए थी। सर आप तो जानते हैं संविधान में अभिव्यक्ति की जो है छूट दी हुई है, अभिव्यक्ति की है, सबको आज़ादी है लिखने की, बोलने की, विचार की, तो इस आधार पर गिरफ्तारी हो जा रही है? मैम ये जब जिसकी सत्ता होती है तो वो सब चीज़ों को रख देता है, लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला आएगा वो बताएगा कि कौन सही है, तो कौन वाकई में जीतेंगे रतन लाल जी। जी मैम उम्मीद तो मैम यही है। उम्मीद जी, क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि उन्होंने वाकई में सही किया है, सबको अधिकार है सही बोलने? उन्होंने कुछ गलत लिखा नहीं, इतिहासकार है, अगर सच्चाई बता दें उन्होंने कुछ गलत लिखा नहीं ना, कुछ गलत लिखा होना चाहिए था ना उसके अंदर, गलत कुछ लिखा ही तो उसके इसके अंदर आप कैसे उसकी FIR हो जाती है? और तो मैम ये तो सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। स्टोन प्लेटर जिसके हाथ नहीं थे मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर भी FIR हुई है, ये तो नहीं मैम के पावर का गलत इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली BJP सिखा रही है लोगों को पावर का गलत इस्तेमाल करना। तो अभी जो है हमने उनसे भी बात की, लगातार जो है इसी परिसर में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर सारे वकील थे, जय भीम के नारों से गूंज उठाए पूरा परिसर, आप सामने देख सकते हैं, सीधी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लगातार यहाँ पर अभी जो है इसी तरीके की गर्मा गर्मी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा और प्रोफेसर रतन लाल जी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अब बाहर आए हैं मगर अभी थाने ले जाया गया, बेल ही हुई है अभी। फिर भी जो है कस्टडी में उन्हें रखा गया है कि अभी देखने वाली बात है कि किस तरीके से अभी उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और सभी लोग जो हैं उनके समर्थन में उतर चुके हैं, प्रोफेसर से लेके छात्र से लेके, और लगातार पूरा जो भीम के नारों से यहाँ वकील जो मौजूद थे उन्होंने भी भीम के नारे लगाए हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का
संविधान ये कहता है सबको आज़ादी है बोलने की लिखने की, मगर उसके तहत यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है। आप समझिए किस तरीके से एक सत्ता में बैठी सरकार किसी पे शिकंजा कस देती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथुर।